मॉर्निंग बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th में एग्रीकल्चर बायोलॉजी का लेसन नंबर 2 जिसका पार्ट 8 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने जो प्रत्यक्ष रूपांतरण की कुछ विधियां पढ़ी थी, जिसमें अपने माइक्रो इंजेक्शन विधि को पढ़ा, शॉटगन या बायोलिस्टिक विधि को पढ़ा था। तो आज इसके अलावा अपने इसमें इलेक्ट्रोपोरेशन विधि के बारे में पढ़ा। आज अपने जो नेक्स्ट विधि है प्रत्यक्ष रूपांतरण की, जिसका नाम है लाइपोफिक्शन, तो लाइपोफिक्शन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं कि लाइपोफिक्शन विधि क्या है। तो नोट करेंगे आप, लाइपोफिक्शन किसे कहते हैं? लाइपोसोम्स एक क्या होती है? झिल्ली होती है। लाइपोसोम्स एक विशेष प्रकार का झिल्ली तंत्र है। ये जो आपको दिख रहा है झिल्ली का तंत्र बना हुआ, मतलब एक आवरण होता है जो झिल्ली है, जिसे लाइपोसोम कहा जाता है। ये पादपीय जंतुओं में पाई जाती है लाइपोसोम्स, जिसमें क्या द्विआणविक वसा परत, दो अणुओं वाली एक ये दो परत होगी और दूसरे अणु वाली ये परत होगी, जिसमें क्या द्विआणविक वसा परत के अध्रुवीय स्थलों पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो इस कोशिका झिल्ली पर वसा की ये दो परतें पाई गई है, जिनके मध्य में क्या जल पाया जाता है, और यह न्यूक्लियस की क्रियाओं से डीएनए को बचाते हैं। ये परत क्या होती है? जो न्यूक्लियस, मतलब जो इसके अंदर पाया जाने वाला एक रासायनिक पदार्थ है, न्यूक्लियस जैव रासायनिक बोलते हैं इसे, वो क्या इसको डीएनए की क्रियाओं से बचाकर रखता है। अब इस विधि में अपने क्या करेंगे? सबसे पहले डीएनए या आरएनए युक्त लाइपोसोम, ये क्या है? लाइपोसोम, जिसमें क्या पाया जाएगा? डीएनए या आरएनए पाया जाता है। तो डीएनए या आरएनए युक्त लाइपोसोम लेते हैं, फिर इसका प्रत्यक्ष संयोजन एंडोसाइटोसिस द्वारा, एंडोसाइटोसिस विधि होगी, उसके द्वारा क्या इसको पादप कोशिका या जंतु कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है। तो एंडोसाइटोसिस यानी अंतर प्रवेश करवाना, ये है एंडोसाइटोसिस। एंडो
इसके बारे में आपने क्या लिखना है? पादप रूपांतरण में इस विधि का क्या अधिक उपयोग नहीं किया जाता है? इस विधि का अधिक उपयोग बहुत कम किया जाता है, अधिक उपयोग नहीं किया जाता है। और किया किसमें जाता है इस विधि का अधिक उपयोग? यह जंतु कोशिका और अंडकों के रूपांतरण में उपयोगी विधि है। यह जंतु कोशिका व अंडकों के रूपांतरण की उपयोगी विधि है। तो इस तरह से इसका उपयोग पादप कोशिकाओं में जो वांछित डीएनए को प्रवेश कराने में किया जाता है। फिर इस विधि के जो लाभ हैं वो अपने नोट करेंगे कि इस विधि के कौन कौन से लाभ हैं लाइपोप्लेक्स विधि के। पूर्ण
भाई मेरा पारस की उत्पत्ति है। काइमेरा पादप किससे उत्पन्न होते हैं? जिनमें पादप का केवल कुछ भाग रूपांतरित होता है, पूरा का पूरा भाग नहीं रूपांतरित होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट के रूप में नहीं प्राप्त होता, सिर्फ कुछ भाग रूपांतरित होता है। इसमें क्या पादप कोशिका का कुछ भाग रूपांतरित होता है, इसमें पादप का कुछ भाग ही रूपांतरित होता है। ये इसकी पहली कमी होगी प्रमुख। फिर इसके बाद में इसकी दूसरी कमी क्या नोट करनी है आपने? यह एक धीमी, महंगी और उच्च कौशल की आवश्यकता वाली विधि है। दूसरी कमी है, यह विधि महंगी भी है, यानी बहुत इसमें यह विधि महंगी और इसमें क्या उच्च कौशल की आवश्यकता होती है। मतलब जो इसके बारे में पूर्ण रूप से सक्षम है वही इसे इस विधि द्वारा पादपों का रूपांतरण कर सकता है। तो ये एक तरह से तो बहुत महंगी विधि भी होगी और उच्च कौशल वाली और धीमी विधि है, जिससे क्या बहुत लंबा समय लगता है। जीन स्थानांतरण कैसे किया जाता है? द्वि